पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पूर्ण परमात्मा परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुन रहे हो। और सत्संग में आने से प्राणी को इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता चलता है। परमेश्वर कबीर देव जी ने ही यहां सत्संग की व्यवस्था की है। सत्संग का अर्थ होता है जहां पर सत्य ज्ञान के प्रवचन किए जाए, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी के अतिरिक्त तथा उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान मिले थे स्वयं आकर के, किसी को भी सत्संग का ज्ञान नहीं, किसी के पास भी सत्संग नहीं। अपने आत्मा ये इतनी कड़वी सत्य है, इतना कड़वा सत्य है ये कि एक बार प्राणी इस बात से एकदम महसूस करता है कि क्या किसी को भी ज्ञान नहीं था, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं था। ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, चतुर्वेदी कहलाते थे, क्या वे अज्ञानी थे। अब ये शब्द कह दे कि सचमुच वो वास्तव में अज्ञानी थे और इतना कह के छोड़ दिया जाए तो नहीं यकीन हो कि नहीं ये बात समझ से बाहर की बात है। ऐसे ऐसे सतयुग में ऋषि महर्षि हुए हैं, चारों वेदों को कंठस्थ याद किए हुए थे, क्या उनको वेद ज्ञान नहीं था। नहीं था, नहीं था, नहीं था। अपुण आत्मा उनके साथ तो ऐसा बन गया कि बंजारे के बैल जो और फिरे देश प्रदेश और खांड लाद कर भूस खावे बिन सतगुरु उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं पीठ मनुखा दाख लदी है और कर राखात बबूल, जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख भर रखी थैले में बोरे में और वो खावा किक्कर बबूला में, तो उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर काटे में मुंह मारे, कमर पे लाद रखी मनुखा दाख, तो इन कौन खांड दे मनुखा दाख। ये तो लद्दे अंडे थे, चारों वेदों को कंठस याद करके ऊंट की तरह लद्दे अंडे थे मनुखा दाख, ये खा नहीं सके, ये तो किक्कर खावे थे बबूल खावे थे, जैसे सराद निकाल लो है को मर गया तो उड़ा जा चमटा गाडो, पहला 13 मई तक उड़ा रहो, फिर उसकी महीना करते थे, फिर 6 महीने और फिर वर्षों की फिर उनके सराद शुरू कर। इस काम लगे रहे ये जितने ऋषि में ऋषि थे, यहीं तक सीमित थी इनकी बुद्धि, इनको वेद ज्ञान नहीं था। अपुण आत्मा ये कितना जटिल प्रश्न हो गया, यदि इसका प्रमाण ना दिया जाओ तो कोई नहीं सुने और उल्टा इस दास को निंदक की संज्ञा दे देंगे। लेकिन परमात्मा ने रजा बख्शी है आप जी के ऊपर, आप स्वयं शिक्षित हो गए, सारा पूरा विश्व और भारतवर्ष में तो 99% अब शिक्षित है और 1% कोई बूढ़ा बूढ़िया पहले के रह रहे हैं, वो भी प्रौढ़ शिक्षा से
उनको भी अक्षर ज्ञान जरूर करा दिया। तो अक्षर ज्ञान से सिर्फ इन समझ में आ जाएगा कि दास जो बोल रहे आप सदग्रंथों में प्रमाणित है। आपको थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, हमारे ही सदग्रंथ ये बताते हैं, उन्हें की लीला बताती है कि उन ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, एवन ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी ज्ञान नहीं था, और एवन यहां तक कि श्री देवी दुर्गा को भी अध्यात्म पूरा ज्ञान नहीं था, और यहां तक इस ब्रह्म को सर्वपुरुष को भी अध्यात्म पूरा ज्ञान नहीं था। उसने भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परम पिता परमात्मा के जानकारी जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, परम शांति होगी, सनातन परम धाम प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की जानकारी गीता ज्ञान दाता कहता मेरे पास नहीं है। वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनकी खोज करो। अब आपको झलक दिखाते हैं थोड़ी सी, कि ना तो ब्रह्मा को ज्ञान था, ना विष्णु को अध्यात्मिक ज्ञान था, वेद ज्ञान, क्योंकि चारों वेद जो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद, ये पहला स्टेप है हमारा, जहां से ये ऋषि महर्षि अपना ज्ञान समाप्त करते हैं। जैसे जो अपने आप को महर्षि मानते थे वो कहते हम तो ओम नाम का जाप करते हैं और यही जाप करना चाहिए, ये सुप्रीम मंत्र है, और ब्रह्म सबसे सर्वश्रेष्ठ और समर्थ भगवान है। जहां इन्होंने अपना अनुभव छोड़ दिया वहां से तो हम स्टार्ट करते हैं आगे जो समर्थ परमात्मा तक पहुंचने के लिए, और इनको वो भी पूरा ज्ञान नहीं था। देखिएगा श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें सारा दाड़ा आ जाएगा, सब प्रमाणित हो जाएगा, कितना ब्रह्मा जी को ज्ञान था, कितना विष्णु जी को, और कितना दुर्गा जी को, और कितना इस ऋषि महर्षि सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान था। ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके कौन है संपादक यानी अनुवादकर्ता, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये कहां से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर और फैक्स नंबर इनके ईमेल वगैरह ये है। इसके 28-29 पृष्ठ से हम चलेंगे, ये पहला स्कंध और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से हम चलते हैं। यहां पर नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद है। व्यास जी जो हैं ये इस 18 पुराणों के राइटर हैं, लेखक हैं, और ये नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी कहते हैं महाभाग व्यास जी, यानी नारद जी से कोई प्रश्न किया व्यास जी ने तो नारद जी उत्तर दे रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। नारद जी ने कहा व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं, एवं देवताओं के भी देवता हैं, यानी भगवानों के भगवान। नारद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा ये विष्णु जी के बारे में कि वो सब जगत के जगत प्रभु हैं, जगत के गुरु हैं, यानी सबको ज्ञान देने वाले हैं, देवताओं के देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा कि वो कठोर तप कर रहा है, फिर उनसे पूछना चाहा। ब्रह्मा जी ने पूछा
प्रभो यानी विष्णु जी से, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने फिर ये मंगल वचन कहे। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर सहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ, तुम मैं। ब्रह्मा जी रजगुण है ये भी स्पष्ट होता जा रहा है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है यानी विष्णु जी सतोगुण है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र सहार कार्य करने में भी संभव नहीं। आगे देखो, हम सभी उसी शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर लास्ट में निष्कर्ष दे दिया उसने अपनी आध्यात्मिक नॉलेज का, विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के, श्री देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में इन भगवती शक्ति से, दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। ये फाइनल फैसला यानी ये है विष्णु जी का आध्यात्मिक ज्ञान जानकारी। इतने विद्वान थे और ब्रह्मा जी इनको, नारद ब्रह्मा व्यास विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सौर सृष्टि के देवता, देवताओं के भी देवता वे भगवान श्री हरि दिव्य कौस्तुभमणि की उनकी शोभा बढ़ाती है, संग चक्र उदम रखते हैं, वे चराचर जगत के आश्रय दाता, जगत गुरु और एवं देवताओं के भी देवता हैं। बता, जगत गुरु बता रहे हैं इसको विष्णु जी को, कौन? नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम देवताओं के भी देवता हो गए। ओहे, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य सब वर्तमान जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मलिक, सब भगवानों के भगवान। और विष्णु जी फिर कहे, अपना मैं किसकी भक्ति करता हूं? विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। अब दुर्गा के विचारों सुनाते हैं आपको। ये था ज्ञान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री व्यास जी, इन सभी का।
और विष्णु जी कह रहे हैं कि दुर्गा से इसे बड़ा कोई भगवान यानी शक्ति भगवान देवेश्वर इसे बड़ा कोई देवता मैं नहीं मानता, इसे कोई बड़ा भगवान है। अब दुर्गा जी क्या बताते हैं ये देखिएगा, ये है सातवां स्कंद और पृष्ठ नंबर 562 संक्षिप्त देवी भागवत। और यहां देखिएगा देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है, उसको शिक्षा दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, पहले अपने बारे में बताती है कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरी इस प्रकार करो, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा, आपको मोक्ष नहीं हो सकता। फिर क्या बताती है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। अब्रह्म से शुरू हुई थी या इसको अक्षर ब्रह्म भी बोल रही है, अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, सौम्य। उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब बता दिया कि ओम का जाप करो और ब्रह्म उपास्य इष्ट मानो और जीवात्मा जाप करे। यहां देखो, उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब यहां फाइनल कर दिया दुर्गा जी ने कि मेरी पूजा और अन्य देवताओं की पूजा कति छोड़कर केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में आरे होते हैं ऐसे ऐसे, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम मंत्र है उसका, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, राजा से बताया कि सब प्राणी, और फिर क्या बताया है कि वह ब्रह्म, ओम के जाप से क्या उपलब्धि होगी, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। ओम का जाप करने से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, वो कहाँ है, ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्म कहाँ रहता है, वो ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। पुणात्मा, अब आपको पता चल गया श्री ब्रह्मा जी नारद जी व्यास जी को कितना वेद ज्ञान है, जो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी को कितना ज्ञान है, ये दुर्गा जी को अंतिम फाइनल गॉड बता रहे हैं, कंप्लीट गॉड बता रहे हैं। अब दुर्गा क्या कह रही है कि ब्रह्म है पूज्य योग्य, ये अपने अपने नॉलेज से बता रहे हैं। अब दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम का जाप है उसकी साधना का, ओम नाम का जाप करने से
ब्रह्म को टारगेट ईष्ट बना करके तो ब्रह्म लोक में चले जाओगे जहां वो रहता है। गीता जी क्या बताती है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का सारांश है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद कोड वर्डों में, यानी बहुत संक्षिप्त में, तो उसी के आधार से बताया जा रहा है। अब वेद ज्ञान भी ब्रह्म सर्वपुरुष देता है और गीता ज्ञान भी ये ब्रह्म ही देता है सर्वपुरुष, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान कौन बोल रहा है, ये सर्वपुरुष ब्रह्म बोल रहा है। अब ये कैसे प्रवेश करता है, ये थोड़ा सा और लिंक है इससे, तब आपके समझ में आओगी। ये कैसे प्रविष्ट होता है, श्री कृष्ण जी में कैसे प्रवेश हुआ, उसका उदाहरण देते हैं, देखिएगा। ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसका अंदर का पेज दिखाते हैं, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, इसके अनुवादक हैं मुनि लाल गुप्त, इसमें संस्कृत भी साथ है। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर देखिएगा, चतुर्थ अंश और अध्याय दो, चतुर्थ अंश का अध्याय दो और 233 पृष्ठ पे पूर्व काल में अध्याय दो का ये 22वां श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव संग्राम युद्ध हुआ, संग्राम हुआ देवताओं का और राक्षसों का, जिसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये काल कैसे छल करता है, जब भी कोई ऋषि महर्षि या कोई साधु संत साधना करते हैं भगवान ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की, तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है तो वो मान लेते हैं कि ये विष्णु जी जो सतोगुण है ये सुप्रीम पावर है, या ऐसा ही हुआ। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभीष्ट हुआ मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। यानी देवताओं ने कहा था कि राक्षसों ने हमें पराजित कर दिया है और हमारी रक्षा करो, हमें वापस हमारा राज्य दिलाओ। उसने कहा, भगवान ने कहा इस काल ने कि राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, किसके में, पुरंजय के शरीर में, और उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, यानी युद्ध में उसने खड़ा कर लो पुरंजय को, फिर मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। ये काल कहता है, ये विष्णु तो इसलिए कहते कि विष्णु रूप में प्रकट हो गया उनके सामने, लेकिन वो अपने असली रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं कहता है कि मैं कभी अपनी किसी के सामने व्यक्त रूप में नहीं आता, व्यक्ति रूप में मैं छुपा रहता हूं। अच्छा, तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। हो गया इससे स्पष्ट कि वो कैसे लीला करता है पुणात्मा। अब देखो चतुर्थ अंश ही अध्याय नंबर 3 देखो, ये है चतुर्थ अंश, ये प्रश्न नंबर 243 वो 233 था, और अध्याय नंबर 3 का यह देखना श्लोक नंबर 4 से शुरू करते हैं। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे, गंधर्व, उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर, उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जल साई भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, ये विष्णु समुद्र की उपासना करे थे, वह काल ने विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार अंत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा,
यूनासव के पुत्र मानधाता का जो यह प्रोकुत्स नामक पुत्र है, यूनासव का पुत्र था मानधाता, मानधाता का पुत्र था प्रोकुत्स। कहते उस प्रोकुत्स जो पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उसके अंदर बढ़ूंगा, भूत की तरह प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अपने अपनों श्रीमद भगवत गीता के ज्ञान को किस लिए दिया गया, किस समय दिया गया, जिस समय अर्जुन कौरव पांडवों की आमने सामने सेना खड़ी होगी, युद्ध की तैयारी होगी, और अर्जुन देख रहा सामने वही सब रिश्तेदार चाचे ताऊ भाई भतीजे रिश्तेदार आपस में खड़े, हम इनको मारेंगे और फिर काय का राज करेंगे, तो वो युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध कराना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पहले बहुत प्रयत्न कर चुके थे और युद्ध ना करने के कितने प्रिय थे। उन्होंने यहां तक फैसला दे दिया था कि एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और द्रोण से दोनों पक्षों को क्योंकि कह दिया था कि तुमने जो अच्छा लगे उसको ले लो, और यहां तक कह दिया था मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या श्री कृष्ण युद्ध करवाते और वो गीता का ऐसा ज्ञान देते जिसे नाश होना था? ये तो गीता का ज्ञान तो जो बोला वेद ज्ञान है। तो उस समय इस काल ने देखा कि युद्ध नहीं होगा, अर्जुन तो नाट गया, अर्जुन का युद्ध ना करना, युद्ध समाप्त। उसी समय ये काल जैसे इस पुरंजय और पुरकुत्स में प्रवेश हो गया, ऐसे प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी। अब श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछ रहा है आप कौन हो महानुभव? तो रिश्तेदार था उसका, साला था श्री कृष्ण, तो क्या उसने पहचाना नहीं था वो? क्योंकि उसने अपना असली रूप दिखाया वो था, वो काल उसके अंदर बाहर निकल कर दिखा उसको और फिर वापस समा गया, फिर कृष्ण दिखे। तो गीता का ज्ञान ये इस काल दे रहा है, सर्पुरुष दे रहा है। ये कहता आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और जो इसका अंतिम श्वास तक स्मरण करता हुआ जाता है वो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त करता है। ओम से परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावृत्ति में वहां गए हुए प्राणी की फिर जन्म मृत्यु होती है। और गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता चौथे अध्याय के 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 4 में कहा कर तुम तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा चौथे अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब उसके कर्म अलौकिक न्यू है, वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके तो वो अनर्थ करवा दिया, ड्राड्रू का अर्जुन को तैयार कर दिया, और गीता के ज्ञान से युद्ध कर सका आदमी, ये तो इतना निर्मल ज्ञान है, युद्ध करता हुआ भी ना करे। और फिर जैसे प्रोकुत्स के अंदर प्रवेश करके उन गंधर्वों का नाश कर दिया और पुरंजय में प्रवेश करके वो देवताओं को मार डाला, तो कहता ऐसे मेरे कर्म अलौकिक हैं, मैं किसी के सामने नहीं आता, अपने योग माया से छुपा रहता हूं। सातवें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 श्लोक में अपने आत्मा। अब गीता ज्ञान दाता अपने बारे में कहता है कि मैं भी जन्म मृत्यु में हूं, तू भी जन्म मृत्यु में है, और यहां रहेगा तो युद्ध करना ही पड़ेगा। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में भी यही कहा है, हम तुम पहले भी थे आगे भी थे, मेरी उत्पत्ति तो हुई है लेकिन मेरी उत्पत्ति को ये देवता ऋषि नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न है। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को, जन्म को, डेट ऑफ बर्थ को बच्चे नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, वो तो दादाजी बतावे। तो परम अक्षर ब्रह्म जिसने सर्वपुरुष की उत्पत्ति की, जिसने हम सब की उत्पत्ति की, उसने आके कबीर परमेश्वर ने ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें दिया, आध्यात्मिक ज्ञान बताया कि इस काल की कैसे जन्म हुआ, कब है इसकी डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने सारा अपने सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में कति स्पष्ट कर रखे है। अब ये कहता है गीता ज्ञान दाता 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में कहा कि ये ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो परम अक्षर ब्रह्म, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है,
और जो व्यक्ति जो संत इसके सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। इसलिए गीता के अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में श्लोक में कहा है, सर्पुरुष अक्षर पुरुष इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितना भी अक्षेत्र है, जितने प्राणी हैं, इन सब नाशवान है और ये भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं बढ़ती। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम यानी परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां सिद्ध हो गया कि श्री दुर्गा जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और नारद जी और श्री व्यास जी, इनको वेद ज्ञान नहीं, क्योंकि ये तो कहे दुर्गा की पूजा करो, दुर्गा कहे ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। उसके बारे में 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्म तत्व को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो, फिर जैसा वो बताए ऐसे करो। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ना तो कंप्लीट वेद ज्ञान ब्रह्म को सर्वपुरुष को, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को, न दुर्गा जी को और ना अन्य नारद और व्यास को। अब सतयुग के ब्राह्मणों की ओर दिखाते हैं आपको, वो विद्वान बताए गए कि सतयुग के ब्राह्मण वो दुर्गा की पूजा करा करते, यही से वेद के विद्वान। ओहो देखिए, यही श्री देवी भागवत 6वां स्कंद और 414 पृष्ठ, जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं, राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। अब ये सतयुग से प्रयत्नशील है, ये नकली ब्राह्मण गांव गांव मंदिरों के लठी ननगढ़वा रखे, ये बताओ नौका वेद के विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण, पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, ये टट्टू विद्वान थे वेद के, है कहीं वेद के अंदर दुर्गा की पूजा का कहीं पर भी जिक्र? और देखो इसी में थोड़ी सी रह गया, ये तो सतयुग के ब्राह्मण बताए। अब देखो यहां तक तो ये सतयुग के ब्राह्मणों को बताया कि ये बड़े वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, अब कलियुग के ब्राह्मणों को क्या संज्ञा दी है? धर्म की यह स्थिति त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था, सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलियुग के ब्राह्मण हैं। अब एक कलियुग वाले का देख लो, ये संज्ञा ये उपमा दे रखी है शास्त्र में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्माओं दास के ने जो प्रथम शब्द पहली बार जो शब्द बोले थे के आज तक परमेश्वर कबीर देव जी ने जो आकर ज्ञान दिया तत्व ज्ञान और उनसे परिचित महापुरुषों को छोड़कर वो चंद महापुरुष हैं जो दास के नॉलेज में है, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा साहेब जी गांव खेकड़ा और जिला मेरठ यूपी वाले,
इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, इनके पास वही तत्व ज्ञान था जो परमेश्वर ने आके इनको बताया, इनके अंतःकरण में फीड किया। उसके अतिरिक्त सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण विद्वानों को, ऋषि महर्षियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था, अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। तो पहली बार जिसने सुना होगा वो एकदम कुनीन से कड़वा लगा होगा। और अब ये लालटेन दिखा दी दास ने, अब इसको देखकर पुण्यात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। जो पुण्यात्मा है, समझदार है, वो सचमुच प्रमाण देखते ही मान लेंगे। और फिर परमात्मा के इतने प्रमाण देख कभी जो बकवाद घटता है, जान बूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे, इसे नालायक की तरह सकल भी ना देखनी चाहिए। जो इतने प्रमाण देखकर फिर बकवास करता है तो महापराजी प्राणी है, दुष्ट और भगवान का जो है ना वो शत्रु है, पूरे मानव समाज का शत्रु है। तो पुण्यात्मा अब इनकी बकवाद करने एक दाड़ निकले, क्योंकि आप स्वयं शिक्षित हो गए, सदग्रंथ हमारे पास है, सबके घर रखे हैं, खासकर हिंदू धर्म में तो ये सारे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, देख लो खोल के। ये दास एक बार औरंगाबाद सत्संग कर रहा था महाराष्ट्र में, ऐसे प्रोजेक्ट लगाकर सत्संग दिखा रहे थे, पांच सात बुजुर्ग से बैठे कभी न देखे। तो उन्होंने कहा कि ये संत कोई षड्यंत्रकारी नजर आता हमें, इसने ऊपर तो गीता प्रेस गोरखपुर का कौर चढ़ा रखा, अंदर इसने सारी बातें अपनी गलत भर रखी है। उन्होंने प्रश्न नंबर वे अध्याय नंबर सॉरी नोट करके रखी थी, जाते देखी सामने। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तब भगत बैठे थे हमारे, वो सुन रहे थे, उनको पता था इनमें ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको पता था नहीं, देखेंगे जब पता लगेगा। घर जाकर उन्होंने मिलाया सारा जो का तोर में कौन सा गृत बना के ला रखा है, ये तो पहले से छपी हुई है। तो उसने अगले दिन जाकर वो माथे का हाथ मारे, लोगा हमने तो सारी उम्र खो दी, 70 साल का कोई, 72 साल का कोई, 65 वर्ष के रिटायर हो रहे एजुकेटेड आदमी, अरे तेरा जो रोज पढ़ा करते, हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम भी कभी ना समझ भाई हमारे। तो कहते हैं सबुद्धिमान समाज आराम से समझ लेगा, प्रमाण देखो। और पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को दिखाने की दास को कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने दे रखा है वो फाइनल है, वो सत्य है, 100 का 100 सत्य है। लेकिन इस सत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए सदग्रंथ दिखाए जाते हैं। यही ज्ञान परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले कहा था, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा उड़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मूल मूल खासा गल मोतियों के हार, पतिवरता को मिले न खादी सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लवाड़। परमात्मा कहा करते ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे नासवान है, इनको कह कह का नहीं पता, तुम्हारे गुरुओं ने ब्राह्मणों ने ऋषियों ने वेद ज्ञान नहीं है। तो क्या कहा करते, ये लबाड़ है, जुलाहा धानक कबीर, ये झूठ बोलता है, इसको कुछ पता नहीं वेदों और गीता और सदग्रंथों का पुराणों का, ये अशिक्षित है, ऊट पटांग बकवास करता है। और वो मंडलेश्वर पाकरे जी ने कह कह का नहीं बिरा था, क्या कहते थे भगवान, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवारे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उलटा व्योहार,
कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो यह सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। अब निरंजन कह रहे हैं परमात्मा इस काल को 23 ब्रह्मांड में कितनी सच्चाई नाम की चीज नहीं, यह पाखंडियां की पूजा जग में। और संत ने कहे लबाड़ इन अज्ञानियों को तो वेद के महाविद्वान दोनों को दुर्गा पूजा कर लो, ये वेद के विद्वान पूर्ण सतयुग के ब्राह्मण कलयुग वाला का फिर दे रखा है यहाँ सारा निष्कर्ष, ये के सांग से वही काम करके दिखा दो परमात्मा ये सच्चाई बोला करते थे कबीर जी। काशी के ब्राह्मण परमात्मा के हाथ दो के पीछे पड़ गए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए उस मालिक के साथ, वो तो समर्थ थे, वो उनका बिगाड़ के सकते थे, अपने क्रम फोड़ लिए उन्हें, तो राक्षस ही कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाने और पंडित से जो पिंड की जाने, जो भगवान को पहचान लेगा वो चीटी भी नहीं मार सकता, ब्राह्मण तो वो होता है। तो पुणात्मा आप ब्राह्मण हो गए क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, ब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया आपने। अब यहां जाति से ब्राह्मण नहीं कहागा, कर्म से ब्राह्मण है। वैसे कोई फीत लगा रहा है लगाए रहो हम भी ब्राह्मण है, हम पंडित हैं, कहे जाओ पंडित, उत्तम दही से पंडित हो। जैसे कोई वैद था, अच्छा बढ़िया प्रसिद्ध वैद था और अच्छी दवाई दे जानता था, जड़ी बूटियां उसकी आराम होता था, जनता को रोगी स्वस्थ हो जाते थे, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो उनके बाद उसके वंशज भी अपने आप को वैद के लक्षण लाग गए और आगे चलकर मेरे वो जानते को ना पेट के दर्द की उस दीर्घ भी कहे कृपा राम वैद, वो वैद सरनेम हो गया उनका। तो ऐसे ही जो पंडित थे सतयुग के, जो ऋषि थे महर्षि थे, वो ब्राह्मण को आया करते अपने आप को पंडित को आया करते, और उन पंडिता ने युक्ति सा ज्ञान से अपने पता लग गया। अब वो थे कर्म से ब्राह्मण थे। आज कोई टीचर है और कोई खेती करता है या कोई और अपना व्यवसाय कोई दुकान खोल रखी है, वो भी नो के पंडित फलाना राम। अब वो कहाँ का पंडित है, वो तो वैदाली फीत ला रहा है, पंडित ईसा पंडित से। तो यहाँ जाति से संपर्क नहीं है, कर्म से है। जैसे इस दास के गुरुजी जो थे वो इस परंपरागत पंडित थे, ब्राह्मण थे जाति के, गांव बड़ा पैतावास चरखी दादरी के पास जिला भिवाणी में, और उनको जब वो 16 वर्ष की आयु के थे उनको एक कबीर पंथी संत मिल गए, उनके विचार सुने और वो उनके साथ चले गए, ब्राह्मण हो गए। यानी फिर वो कौन थे, जो मेरे गुरुजी थे वो ब्राह्मण थे जाति से, वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, जब वो उनको ज्ञान हो गया था वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो छावला गांव के जाट थे, छावला गांव के जाट थे, दिल्ली में नजफगढ़ से आगे गुड़गांव रोड के ऊपर छावला गांव है, वहां के वो किसान थे, जाट थे, और उनको एक संत मिल गए कबीर पंथी गरीबदासी पंथ संत, वो उनके साथ, वो भी ऐसे ही त्याग के चले गए थे, अनमैरिड थे, छोटी आयु में 17-18 वर्ष की आयु। फिर उस संत ने उनको सोचा भी इसको शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा माइंड था, समझदार थे, तो काशी विद्यापीठ में छोड़ दिया। तो काशी विद्यापीठ से वो मेरे दादा गुरुजी, उनका नाम तो कुछ और था, चिदानंद नाम था उनका, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए वहां से।
तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है, पंडित चिदानंद। और उनका खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है, वहां हमारे दादा गुरुजी का आश्रम बना हुआ है। उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पे, पंडित चिदानंद जी आश्रम गोपालपुर गरीबदासी। और मेरे गुरुदेव थे वो ब्राह्मण थे, ये वैदाली फीताले, उन कभी नहीं अपने आप को ब्राह्मण कहा, वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी जाट होते हुए पंडित थे। तो यहां इस बात को समझना चाहिए, दास का कोई उद्देश्य किसी जाति विशेष या वर्ग के साथ नहीं है। हमारा इस तत्व ज्ञान को ऊपर लाना है और समझना है भगवान को और समझाना है। अब परमात्मा क्या कहा करते हैं, इस काल को निरंजन कहते हैं कि तेरे 21 ब्रह्मांड में नाय नाम की चीज नहीं। जो निरे निकम्मे काम करे वो औरत तो बड़े सुंदर बढ़िया आहार भी करे और सारे हार श्रृंगार यानी मोतियों की हार पहन के और बहुत बढ़िया मुलमुल खासा पहन के और सारा दिन बकवाद करे, और एक पति भरता को मिले ना खादी और सूखा नरस आहार निरजन धन तेरा दरबार। या देख लो जिन्होंने जितनी बकवाद करी उन्हें खूब ठाट हुए। राजा हरिश्चंद्र जी था, सत के ऊपर था, उसका राज भी छुड़वा दिया इन दुष्टों ने गेल लाग के और बिरानवाटी कर दी उस महापुरुष की। तो यहां कहते हैं तनिक नहीं न्याय विचार। और फिर क्या बताते हैं, कह कबीर सुनो भी साधु या सब उल्टा व्यवहार, ये सच्चे ने तो झूठा बताओ, यही झूठा गए तुम्हारे जी ने कह भी नहीं पता। तो क्या कहा भगवान ने, गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था भुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था भुस छड़े मूड किसाना, यानी समझदार किसान ऐसी गलती थोड़ा ही करेगा। जो भुस ने कुटे और सोचो मैं इसमें से कनक निकाल लू, तो ये सब घुस कूट रहे थे क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपुन आत्माओं, आज सत्संग जो चल रहा था कि जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी साधना करनी चाहिए, और उस परम अक्षर ब्रह्म की वे ऑफ वर्शिप के विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और कोई नहीं जानता, ये गीता जी ने फाइनल कर दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म की साधना करनी है तो ओम का नाम है, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। 40वें अध्याय के यजुर्वेद के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म लेने वाला कहता है, कोई असंभवात यानी कभी जन्म नहीं लेता, वो तो निराकार है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंदौर एमपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं सर जो भी जगत में लोक वेद के अनुसार से भक्ति साधना करता था, मैंने जो है आसाराम बापू जी से और राधा स्वामी जी के सत्संग सुने थे और उन्हीं को मैं वहीं तक मैं सीमित था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरी नानी जी है जिन्होंने की नाम दीक्षा ली थी, साधना और भक्ति, और फिर मैंने गुरु जी का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और उसी के बाद में जो है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर लाभ बहुत सारे हैं,
मैं मेन मेन बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा लाभ सर मेरा साथ अभी 2 महीने पहले हुआ है। सर मैं जब रात को सो रहा था तो सोने के सर आधी रात से मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। तो मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि काल के दूत मुझे पकड़ के और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैंने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया हुआ सतनाम का जाप किया, और सतनाम के जाप से भी सर वो इतने भयानक तरीके से मुझे पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ले जा ही नहीं पा रहे थे मुझे। सतनाम का जाप फिर मैंने और जोरों से करना चालू किया, और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक जयकारा लगाकर फिर जोर से, मतलब उस नाम को मैंने जाप करता रहा, मैं उसको बंद ही नहीं किया मैंने, तो फिर वो अपने आप ही मेरी बांह छोड़ के और गायब हो गया अचानक से। और उसके बाद में सर ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ लाभ हुआ कि उस दिन मेरी मृत्यु थी लेकिन मैं बच गया। उसके बाद सर और भी लाभ हैं, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट सर हुआ। एक्सीडेंट में सर मेरा ये चीज हुई थी कि गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारी कार ने, और जिस कार ने मुझे टक्कर मारी थी उसने तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन पास वाली कार मेरे सन्नाटे से निकल गई, और सर जिस साइड से कार निकली मैं उस साइड गिरने की जगह दूसरी साइड गिरा। अगर सर मैं कार वाली साइड गिरता तो मैं मर जाता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही मैं वहां पर बच पाया। और सर उसके पहले सर मम्मी जो थी हमारी, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी सर। वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पता नहीं कितने सालों से थी। मम्मी बताती कि मेरे जन्म के पहले से ही वो प्रॉब्लम थी, जिसका कि हम लोग, मैं खुद देखता आया था कि मम्मी बेहोश हो जाती थी, कभी कभी चलते चलते गिर जाती थी। वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि हम खुद परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मम्मी जी ने जो नामदान लिया तो उनकी ये परेशानी, बिल्कुल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और सर मम्मी जी ने 2011 में नामदान लिया था, और उसके बाद में एक पेट की प्रॉब्लम हुई थी मम्मी को। मम्मी ने सभी डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, लेकिन सभी लोगों का कहना था कि ये ऑपरेशन अगर होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, और 99% डॉक्टर यही कहते थे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, आप मत करवाइए, आपको ब्लड की कमी है और ब्लड प्रेशर भी है, ये भी है पुरानी रिपोर्ट बता के। लेकिन जब मम्मी बोलती थी कि अब मुझे ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये भी ठीक हो जाएगी गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से, लेकिन मम्मी जी ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई दंडवत प्रणाम करके, और आज मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अलावा सर हम, मेरी सिस्टर है, उनको जो है भूत प्रेत की बाधा थी और बाहरी प्रॉब्लम बहुत सारी थी जो कि उनके परिवार के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो रही थी। उनका जो शादी हुई थी, शादी के बाद से भी वहाँ भी लड़ाई झगड़ा चलते ही आ रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने, मेरी सिस्टर ने भी नाम दीक्षा ली, और आज उनकी जो बाहरी बाधा थी भूत प्रेत की वो पूरी तरीके से सफल, किसी प्रकार का कोई हमने टोना टोटका नहीं कहा, और वो बिल्कुल आज स्वस्थ हैं। सर ये भूत प्रेत की बाधा जो थी ये उन, मेरी सिस्टर से सीमित होते होते मेरा जो छोटा भांजा है जो कि अभी 5 साल का है, और संत रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली थी, उसको भी हम लोगों ने नाम दीक्षा दिलवाई, गुरु संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद दिलवाया, तब वो 2 साल का था, 1.5-2 साल का था। सर ये चीज हो गई थी कि जब हम सतलोक आश्रम बरवाला में आश्रम के अंदर घुसे उस सिस्टर को नाम दीक्षा दिलवाने के लिए, तब सर वो बच्चा रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, इतना रो रहा था कि जैसे वो नहीं उसके अंदर कोई बैठा हुआ कोई रो रहा है बहुत, और वो आश्रम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा हो गया था कि वो जो हमारा गेट होता है सतलोक आश्रम का, उस गेट के अंदर से बाहर की तरफ ही मुंह करके वो और बहुत जोर से चिंगाड़ मार मार के रोने लगा। जब उसकी मम्मी ने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद में जब वो गुरुजियों से आशीर्वाद दिलवाया उसको, तो सर उसके बाद में आशीर्वाद के बाद में उसकी बच्चे की रोना चुप हुआ। इसके बाद सर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण हम, मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक दहेज बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण हम खुद ग्रसित थे। मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कहीं भी अगर उनके रिश्ते की बात करते थे तो या तो लड़के वाले कुछ चीज की मांग कर देते थे, या फिर ये बोलते थे कि शादी जो है वो गार्डन में करेंगे, स्टेज सजा के करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो सर हम उस चीज से बहुत परेशान थे। लेकिन सर जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उसके बाद में हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर एक रमणी करवाई जाती है, विवाह संबंध जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार होती है, तो उसके लिए सर हमने गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई आश्रम में, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि
हो जाएगी बेटा, आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हो जाएगी, भक्ति करो। और सर वही चीज हुई उसके सर 8 महीने बाद ही, 2015 में, अप्रैल 2015 में, मेरी सिस्टर की बिना दहेज और बिना किसी गार्डन वार्डन के, एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही हैं, उन्हीं से जो है रमेणी हुई है, विवाह हुआ है। उसमें ना तो किसी प्रकार का कोई दहेज दिया गया, ना ही किसी प्रकार का कोई कुरीति तरीके का हमने कुछ भी नहीं किया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बिल्कुल सफल और आराम से, किसी कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। इसके अलावा सर मेरे साथ जो एक चीज और हुई थी, 2014 में ही जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में सर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगने लगा और मैं गया ही नहीं वापस उस कॉलेज में। और सर इस चीज के लिए मुझे मतलब ऐसा हो गया था, मैं मन से, अपने आत्मा से, पूरी तरीके से ऐसा हो गया था कि मैं किसी प्रकार से आत्महत्या कर लूं। मैं अपने घर पे, परिवार पे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोझ बन चुका हूं। फिर सर मैंने ये एक चीज करी कि मैं कहीं जाता भी था तो मुझे यही लगता था कि क्या मैं बस के आगे कूदूंगा तो आराम से मर जाऊंगा, ट्रेन के आगे कूदूंगा तो आराम से मर जाऊंगा, या कुछ जहर वगैरह खा लूं तो आराम से मर जाऊंगा। लेकिन सर मैं फिर मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने जुड़ा हुआ हूँ, वो किसी प्रकार की कोई मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना मुझे ये चीज होती कि मैं आत्महत्या कर लूं, मुझे ऐसा कोई किसी प्रकार का कुछ भी परेशानी जो कि होनी चाहिए कि आत्महत्या करने का जो विचार मैंने आ रहा था, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दोबारा कभी आया ही नहीं। सर मैंने मैंने फिर नए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका और मैं अभी असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ साथ में। आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सुखी, संपन्न और इतना जीवन यापन कर रहा हूँ, इस प्रकार का समृद्ध वाला, कि मुझे किसी प्रकार का ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ आवश्यकता है। परमात्मा जी का हमने, संत रामपाल जी महाराज जी का हमने जब आदे उपदेश लिया, उसके बाद से हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की, ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आती जरूर है लेकिन वो दिखाई देती, लेकिन वो कहाँ गायब हो जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर जो श्रद्धालु यहाँ पर देख रहे हैं उनसे सर मैं तो कुछ ऐसा संदेश नहीं दे सकता जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं और उनकी पुस्तकों में भी निर्णायक ज्ञान है। उसके उसके लिए सर मैं जो बोलते हैं गुरु संत रामपाल जी महाराज, उसी का एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसा कि सर मेरे साथ हुआ, मुझे काल के दूत लेने आए थे लेकिन वो ले जा नहीं पाए सतनाम के जाप की वजह से, उसी प्रकार से सर मैं सभी जो हैं देखने वाले उन सभी से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम किसी निचले स्तर की कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, वहां पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आता है तो किस तरीके से जज भी उनकी सम्मान करता है, तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सबसे ऊपरी लेवल के सबसे अधिकारी गुरु हैं। अगर आप उनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो आपका जो धर्म राय है वो भी उनके सम्मान में खड़ा होता है, सिर झुकाता है। तो आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? नाम दीक्षा लेने के लिए आप जो है कई टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, सत्संगों के दौरान एक संपर्क सूत्र दिया जाता है। नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जिस भी जिले में नाम दीक्षा लेनी हो, जिस भी स्टेट में लेनी हो, कहीं पर भी लेनी हो, आपको वहां से पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544।
हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।